आपको बता दें, मामला नेशनल हाईवे का है, जहां ट्रक के पीछे चल रही कैंटर गाड़ी अचानक ट्रक के ब्रेक लगाने से ट्रक में घुस गई, जिसमें चालक परिचालक जो कि सगे भाई बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में शिकार दोनों गंभीर रूप से घायल भाइयों को नजदीकी सूरजमल जटिया अस्पताल बुलंदशहर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान लगाए गए इंजेक्शन के बाद गौरीशंकर की हालत बिगड़ने लगी तथा कुछ ही देर में गौरीशंकर ने दम तोड़ दिया। घायल भाई संतोष का कहना है कि उसके भाई के साथ नर्सिंग मेडिकल स्टाफ व डॉक्टरों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की गई। सीएमएस ने जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कार्यवाही की बात कही है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार, संतोष कहाँ के रहने वाले हैं? सेगुफर हाथवन। क्या हुआ है आपके साथ? भैया गाड़ी लेके आ रहे थे, हम दोनों जने गाड़ी लेके आ रहे थे, आगे एक ट्रक चल रहा था। ट्रक आगे चलने के बाद में आगे ट्रक चल रहा था, आगे एकदम ट्रक वाले ने एकदम ब्रेक मार दिए, गाड़ी आगे पीछे लाइन उसी लाइन में हमारी गाड़ी चल रही थी, एकदम ट्रक वाले ने लंबो मार दिए ब्रेक, गाड़ी उसमें घुस गई। घुसने के बाद में भैया जी के पैर में लगी थी और मेरे भी पैर में लगी थी, मेरे सिर में लगी और पैर में लगी, भैया के कहीं नहीं लगी, पैर में लगी खाली। लाने के बाद में एक रोड पे डाल निकाल के जनता ने निकाल के हमको पास में बैठा लिया। बैठाने के बाद में सूचना करी तो अस्पताल में, तो उन्होंने एम्बुलेंस पहुँची। एम्बुलेंस पहुँचने के बाद में लेके आए, लाने के बाद में हमको लेके लिटा लिटा के अंदर रूम में लेके गए। कौन से रूम में? जटिया अस्पताल। हाँ, जिसी रूम में जटिया अस्पताल। हाँ हाँ जटिया अस्पताल में लेके आए थे। और हमको लाने के बाद में एक बेंच पे पराया, भैया जी को एक बेंच पे पराया, भैया का पैर फटा था तो भैया को एक बेंच पे पराया, तो पराने के बाद में भैया के पढ़ाने के बाद में भैया दर्द में चिल्ला रहे थे, भैया दर्द में चिल्ला रहे थे, तो दोनों एक डॉक्टर दोनों दो डॉक्टर थे, दोनों डॉक्टर गाली दे रहे थे, चल भोसड़ी वाले तुझे हम गाड़ी सिखाएंगे कैसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, मतलब चलाना सीखो गाड़ी कैसे चलाते हैं गाड़ी। तभी गन भैया के दर्द के मारे चिल्ला रहे थे, तभी भैया जी भैया इधर उधर हो रहे थे, उधर उधर हो रहे थे, पंटैया दर्द के मारे पंटैया ले रहे थे, तभी नीचे सादा तो यानी ढकेल दिया, नीचे गिरा दिया भैया जी को, गिरा दिया भैया को। गिराने के बाद में फिर मैंने उठा के लिटाया, लिटाने के बाद में भैया जी को उठा के लिटाने के बाद में फिर भैया उन्हें दर्द हो रहा था तो चिल्ला रहे थे, और डॉक्टर ने दोनों ने कान पे भी मार दिया, भैया जी के दोनों ने कानों में मार दिया, मेरे बार पकड़ के खींच दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।